दुनिया भर में कोरोना वायरस के फैलने को लेकर एक बार फिर चीन पर सवाल उठ रहे हैं। पहले भी ये चर्चा होती रही है कि ये कोरोना वायरस वुहान की लैब से लीक होकर इंसानों तक पहुंचा है, और अब कुछ तस्वीरों के आधार पर ये दावा किया जा रहा है कि वुहान के इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के एक फ्रिज की सील टूटने से उसमें रखे वायरस बाहर आ गए। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना डेली अखबार ने लैब की फोटोज के साथ लिखा था, एशिया के सबसे बड़े वायरस बैंक पर एक नजर। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने 1500 से ज्यादा वायरस स्ट्रेंड्स को संरक्षित करके रखा है। अमेरिका ने कहा है कि लैब से वायरस लीक होने के मुद्दे पर बीजिंग को साफ साफ बता देना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि हम इसकी जांच करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने वुहान इंस्टीट्यूट को दिए जाने वाले फंड को खत्म करने की बात कही है।